लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे, मींस पिछले लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर एंड लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ देखे थे, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगोनल लॉ, मींस वेक्टर का एडिशन देख रहे थे, और उसके बाद हमने देखा सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और आज का जो न्यू टॉपिक है जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम देखते हैं आज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मींस उसी को कहते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का दूसरा नाम है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है, मींस व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मींस दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स है। अगर व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मींस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एंड व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे हमने यहां पे देखे थे इस तरह से, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता था, मींस आर इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम आपको यहां से पूछे, अगर ये वेक्टर ये ए है और ये बी है और ये सी है, इस डायग्राम में अगर हम आपसे पूछे वेक्टर कौन है और कंपोनेंट कौन है, मींस ये दोनों टुकड़े को हमने अगर ऐड किया तो आर मिला है। आप देख रहे हो आर इक्वल टू ए प्लस बी, मींस ए प्लस बी को ऐड करने से आर मिलता है, मींस आर को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी मिलेगा। अब यहां पर जो मेरा है ए और बी को ऐड करने से सी मिलता है, तो ए जो है मेरा ये क्या है वेक्टर है, और ए और बी जो है इसका क्या है कंपोनेंट्स, मींस ये दोनों कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया तो सी मिला। हम देखते हैं अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन कर लेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को डिफाइन कर लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब ये जो वेक्टर का रिजोल्यूशन है ये 2D में होता है और 3D में होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट नंबर में रिजोल्यूशन इन 2D एंड नंबर सेकंड रिजोल्यूशन इन 3D। तो फर्स्ट नंबर हम शुरू करते हैं नंबर ए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D, क्लियर है, देखते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। अब आप देखो ये मेरा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये कोई भी वेक्टर a है जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, हमने लेट कर लिया कि लेट वेक्टर a मेक्स एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस, एंड वी आल्सो लेट ax एंड ay बी देयर x एंड y कंपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली, देन फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वी राइट वेक्टर a इक्वल टू ax प्लस ay। हमने लेट कर लिया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए एक्स है और वाई कंपोनेंट ए वाई है, तो अगर हम वेक्टर ए को ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा ए एक्स प्लस ए वाई को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए मिलेगा। इसको अगर हम ऐसे लिखते वेक्टर ए, ये जो मेरा वेक्टर ए है इसमें ए एक्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दिया और ए एक्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी कर दिया। फिर सिमिलरली अगर ये मेरा वेक्टर ए वाई है इसमें ए वाई के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दिया और ए वाई के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी कर दिया। हम पढ़े हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं ये जो मेरा वेक्टर है ए इक्वल टू ए एक्स बाय ए एक्स के मैग्नीट्यूड को आई कहते हैं एक्स एक्सिस में, ये ए एक्स हो जाएगा प्लस ये मेरा हो जाएगा जे ए वाई, मीन्स वेक्टर ए का जो कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस का हो गया आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, आई एक्स एक्सिस में होता है और जे वाई एक्सिस में होता है, क्लियर है यहां तक।
अब ax का वैल्यू क्या होगा, मींस ax को ही क्या लिखे हैं हम, iax, और ay को क्या लिखे हैं, jay। क्लियर है? अब अगर ax का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां पे। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ax निकालना है, नहीं तो iax निकालना है, तो cos थीटा लगा देंगे। ये मेरा हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू b बाय h, बेस बाय h होता है, और बेस मेरा कितना है, ax लिखिए, नहीं तो iax डिवाइडेड बाय a। सो ax इक्वल टू कितना आ गया, a cos थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं iax का वैल्यू कितना आ गया है, a cos थीटा। क्लियर है? अब हमको ये y कैलकुलेट करना है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे और इस ट्रायंगल में निकाल लेंगे। ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर उस ट्रायंगल में लगाए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है, ए वाई बाय वेक्टर ए। सो ए वाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मीन्स जे ए वाई का वैल्यू कितना निकल गया है, ए साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? मीन्स आई ए एक्स का वैल्यू कितना निकला है, ए कॉस थीटा, और जे ए वाई का वैल्यू कितना निकला है, ए साइन थीटा। हमने अभी देखा, डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये जो मेरा आई ए एक्स है इसी का वैल्यू कितना निकला है। अब देखो, अब यहां पे आई ए एक्स निकाले तो इसी का वैल्यू कितना निकल गया है, ए कॉस थीटा, और ये जो मेरा निकला था ए वाई, या इसी को जे वाई कहते थे, और ये निकल गया था मेरा ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? अब दोनों को अगर हम फिर ऐड कर देंगे तो वेक्टर ए मिल जाएगा मेरा। मींस क्या आया है, ए का जो आया है ए वेक्टर इक्वल टू आया था मेरा क्या, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, यही मेरा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और वेक्टर ए इक्वल टू आई ए एक्स आया ए कॉस थीटा, अब प्लस ये आया है ए साइन थीटा। अब एल एच एस, यही मेरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हुआ। अगर हम एल एच एस का मैग्नीट्यूड निकालें तो एल एच एस का मैग्नीट्यूड आएगा मेरा वेक्टर ए। क्लियर है? अगर आर एच एस का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। मीन्स हमने ये वेक्टर का दो कंपोनेंट कर दिया, एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या आया है, ए साइन थीटा। फिर अगर दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, ए ही आ गया। मीन्स एल एच एस किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के इक्वल हो गया। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे। अगर इसी के बेस्ड अगर आपको हम एक क्वेश्चन दें, यहां पे एक क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस से और ये वाई एक्सिस, ये कोई भी वेक्टर है जो 5 मीटर का एक वेक्टर है, 5 मीटर का है, और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कहता है एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट बताइए। आप तुरंत यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दोगे, ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, 5 cos 30 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा, 5 cos 60 डिग्री। क्लियर है? या नहीं तो आपकी मर्जी, इसको लिख सकते हो 5 sin 60 डिग्री, नहीं तो इधर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 sin 30 डिग्री। दोनों में वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 5 √3/2, यहां भी कितना होगा, 5 √3/2,
यहाँ पे कितना होगा साइन 31/2, ये कितना आएगा 5/2, या इसको भी करेंगे तो 5/2, यहाँ पे कितना आएगा 5√3/2, मीन्स एक्स कंपोनेंट कितना निकल गया मेरा 5√3/2, और वाई कंपोनेंट मेरा कितना निकला है 5/2, मीन्स ये 5 मीटर का एक्स कंपोनेंट 5√3/2 और वाई कंपोनेंट 5/2 आया। अगर फिर दोनों को ऐड करते हैं, अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट 5 होना चाहिए, करके देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट करें तो एक्स का वैल्यू कितना है 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर अंडर रूट करते हैं तो मेरा कितना होगा 25/75/4 प्लस 25/4 का अंडर रूट मीन्स 100/4 का अंडर रूट, ये 25 और इसका अंडर रूट 5 आएगा। सो दिस कंपोनेंट इज करेक्ट, मीन्स 5 का जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट इतना आया और वाई कंपोनेंट इतना, फिर दोनों को हमने ऐड किया तो 5 ही आ गया, मीन्स दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हम 2D में पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब देखो यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, ये मेरा 2D में है तो 2D में 4 क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा एक्स एक्स डैश, इसको वाई वाई डैश कहते हैं। अगर कोई भी वेक्टर इस बीच से पास कर रहा है इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा पॉजिटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, इतना ध्यान रखेंगे। फिर यहां पे अगर इस तरह का है, ये मेरा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अगर ऐसे वेक्टर पास कर रहा हो और ये एंगल थीटा है तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव और वाई कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्लियर है। अगर मेरा ये वाई डैश, अगर इस तरह का है मेरा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वेक्टर ऐसे पास कर रहा है ये और ये एंगल थीटा है, ये एक्स कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव और वाई कंपोनेंट भी क्या होगा नेगेटिव होगा, क्लियर है। आप जानते हो अगर ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन से इधर सारा क्या होता है पॉजिटिव, ऊपर भी सब क्या होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव, नीचे भी सारा क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पे हम देखें ये है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, वेक्टर इसने पास कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एंगल अगर थीटा है इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव होगा, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। चले आगे क्वेश्चन दें, क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसके बाद। यहां पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये मेरा ये एक वेक्टर है ए और ये लाइन है मेरा ओ पी, ठीक है ओ पी एक लाइन है, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ओ पी लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है ऐसे खींचा हुआ, यहाँ पे है क्यू, तो क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ए में कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलोंग द लाइन ओ पी, ओ पी लाइन पे ए का कंपोनेंट क्या होगा। अब देखो ये वेक्टर ए है जिस एक्सिस पे कंपोनेंट निकालना रहता है, आप देखो अभी तुरंत पढ़े हो ये मेरा एक कोई भी वेक्टर ए था, अगर इस एक्सिस पे कंपोनेंट निकालना है तो उसके हेड से उसी एक्सिस पे क्या करते हैं परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब इसका कंपोनेंट ओपी एक्सिस पे निकालना है तो इसके हेड से यहाँ पे क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और यहाँ के जो कंपोनेंट है इसको हमने लेट कर लिया ओपी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ओ पी बाय वेक्टर ए, कॉस थीटा के बदले कितना डिग्री 30
30 डिग्री मीन्स ओ पी बाय वेक्टर ए, सो ओ पी इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री, ये मेरा हो जाएगा ए कॉस 30 का वैल्यू रूट 3 बाय 2, सो योर आंसर इज इसका वैल्यू आ जाता है ए रूट 3 बाय 2। क्लियर है? अगर नंबर बी में कहा था द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द लाइन ओ क्यू, ओ क्यू लाइन पे वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, तो ओ क्यू लाइन पे हो जाता यहां से क्या करेंगे अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पे, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तब यहां से ये जो मेरा है ओ क्यू है और ओ क्यू कंपोनेंट निकालना है, उसमें लिखेंगे cos 60 डिग्री इक्वल टू ओ क्यू बाय वेक्टर ए, सो ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए cos 60 डिग्री और ए cos 60 डिग्री का 1/2, सो योर आंसर इज ए बाय 2, मींस यहां पर जो कंपोनेंट होता है मेरा ए बाय 2 होता है। क्लियर है? क्लियर है, चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मींस वेक्टर के कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होगा। हेडिंग दिया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट नंबर का प्रॉपर्टीज है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट्स बिहेव्स लाइक वेक्टर, मींस किसी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होता है लेकिन वह बिहेव करता है किसके जैसा, वेक्टर के जैसा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर ले लेते हैं 10 मीटर का है जो इस एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री एंगल, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और ये एक्स कंपोनेंट जो हो जाएगा मेरा 10 cos 60 डिग्री, लेकिन ये माइनस में आएगा -10 × 1/2 = -5। और अगर वाई कंपोनेंट निकालना है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो वाई इक्वल टू क्या होगा 10 cos 30 डिग्री, ये मेरा हो जाएगा 10 × √3/2, दिस इज इक्वल टू 5√3। और ये दोनों वैल्यू जो होता है स्केलर होता है, लेकिन जब इसका हम सम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, वेक्टर सम मीन्स -5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर करेंगे, तब सबको अगर ऐड करते हैं तो मेरा कितना आएगा रिजल्ट 10 आएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट बिहेव्स लाइक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? नंबर टू प्रॉपर्टीज, दूसरा नंबर का प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टीज है, सेकेंड नंबर में देखिए हम ऐसे बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अगर कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री, और एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है 0 डिग्री। तो अगर इसका हम एक्स कंपोनेंट लिखें, ए एक्स इक्वल टू लिखेंगे ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए ही रह जाएगा। और वाई निकालेंगे ए वाई, ए वाई लिखेंगे ए कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, ए इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मीन्स कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका एक्स कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है और वाई कंपोनेंट क्या हो गया है 0 हो गया है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे देखें इसका जस्ट रिवर्स, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर कोई भी वेक्टर ए है जो वाई एक्सिस पे है, ये वेक्टर ए है किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए कॉस 90 डिग्री
और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वाई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 ए ही रहेगा, मीन्स इधर वाला कंपोनेंट 0 हो गया, इधर वाला कंपोनेंट ए ही रह गया। मतलब ये हुआ, इफ अ वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड वाई कंपोनेंट इज 0, एंड इफ अ वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस देन इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड बट एक्स कंपोनेंट इज 0। मीनिंग ये निकला, अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट 0 होगा एंड वाइस वर्सा। इफ अ वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट इज 0 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हुआ, अगर वाई में रहेगा तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई भी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, एक फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस पे, एफ इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, तो कहता है इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा बताइए। तो इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, जिसका एक्स कंपोनेंट एफ एक्स क्या हो जाएगा 0, वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0, बट इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट 10 न्यूटन ही होगा। जब कोई भी वेक्टर वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। इतना क्लियर है? फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज क्या था, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर बट इट्स बिहेव्स लाइक वेक्टर। सेकंड क्या है, इफ अ वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड वाई कंपोनेंट इज 0 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस अगर कोई भी वेक्टर वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वाई कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलें, चलते हैं आगे नंबर का प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी हम देख रहे थे आप लोग को, ये मेरा ये वेक्टर ए है, ये एंगल अगर थीटा था, इसको लिखते थे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसका कंपोनेंट इधर लिखते थे ए कॉस थीटा, और इधर क्या लिखते थे ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? तो यही मेरा क्या हो जाता था, ए साइन थीटा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन एंगल। सिर्फ कॉस थीटा से निकालें उससे भी हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लें, अगर ये वेक्टर ए है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल को बीटा लेट कर लेते हैं अपने मन से, तो एकदम सिंपल सा चीज, अगर ए कंपोनेंट निकालना है तो ए कॉस अल्फा और वाई कंपोनेंट निकालना है तो ए कॉस बीटा। क्लियर है? लेकिन इसके जस्ट रिवर्स यहां पे हम लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो रिटेन एज ए साइन बीटा, और इसको ये भी लिख सकते हैं ए साइन अल्फा। कैसे? तो अल्फा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बीटा, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो यहां पे हम लिख सकते थे ए कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा, और इसको भी लिख सकते थे ए कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ए कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो यही आ, ये सारे का वैल्यू क्या होगा, ये सब का वैल्यू सेम होगा। हम ये बताना चाह रहे थे, हम बताना आपको ये चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड में, अगर ये कोई भी वेक्टर 20 मीटर का है, क्लियर है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप तुरंत इसको लिख दो 20 cos 30 डिग्री, इधर हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री। आप cos 60 का वैल्यू 1 होता है तो 1/2 होता है, 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा 10 मीटर हो जाता, और ये √3/2 तो 10√3 मीटर हो जाता। क्लियर है? क्लियर है? हम ये बताना चाह रहे हैं किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट इक्वल होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन एंगल
जरूरी नहीं है कि हम साइन एंगल लेंगे तब ये होगा, ये कोसाइन से भी हो जाएगा, मीन जितना एंगल है मल्टीप्लाई बाय उतना कॉस थीटा, इधर जितना एंगल है मल्टीप्लाई बाय उतना कॉस थीटा, यही हो जाएगा। मीन्स द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन एंगल। क्लियर है? थर्ड नंबर का प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन एंगल। अगर आप इसको दूसरा एंगल भी लिखोगे तो चलेगा, अगर इसको हम लिखते 20 साइन 60 डिग्री तब भी यही वैल्यू आएगा, 10 रूट 3 आएगा, या इसको हम लिखते 20 यहां पे लिख देते साइन 30 डिग्री तब इसका वैल्यू वही आएगा मेरा 20 × 1/2 मीन्स 10 मीटर ही आएगा। मीन्स ओपोजिट एंगल लेते हैं तो साइन हो जाता है, सेम एंगल लेते हैं तो कॉस हो जाता है। मीन्स किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट इक्वल होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन एंगल। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी बट इट्स बिहेव्स लाइक वेक्टर। दूसरा क्या पढ़ा हमने, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कोसाइन एंगल। और क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इफ अ वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। अब फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में हमको पढ़ना है डिटरमिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट्स मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे जरा सा। हमने बना लिया यहां पे, ये कोई भी वेक्टर ए है, फिर ये मेरा वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल बना रहा है, फिर ये मेरा वेक्टर सी है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, फिर ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है जो ये एंगल मेरा है थीटा टू। तो कहता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बताइए, मीन्स व्हाट इज रिजल्टेंट, आप इसके टेल से इसके हेड को मिला दो, दिस इज द रिजल्टेंट। क्लियर है? अगर इसको कंपोनेंट मेथड से निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको इम्पोर्ट बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ये चलेगा भी, एक दो क्लास चलेगा इस तरह का प्रॉब्लम, डिटरमिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ कंपोनेंट मेथड। तो हम इधर क्या करते हैं, इसका इधर लिखते हैं एक्स कंपोनेंट और इधर लिख दिया हमने वाई कंपोनेंट। अब आप देखो ये वेक्टर किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कंपोनेंट ए के बराबर होगा बट वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो। अभी आप पढ़े थे कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ये कैंसिल। अब ये वेक्टर बी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा वन, तो यहां हो जाएगा बी कॉस थीटा वन और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाता है 90 °-θ1 मींस बी कॉस 90 °-θ1 वो कन्वर्ट होके हो जाएगा बी साइन थीटा वन, ये भी कैंसिल। अब ये वेक्टर सी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 90 °, मींस ये वेक्टर वाई एक्सिस पे है इसीलिए इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा और वाई कंपोनेंट सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब ये मेरा वेक्टर बी, वेक्टर बी देखो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा टू, जो इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में और इस सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मींस माइनस डी कॉस थीटा टू, और अगर इसको हम निकालेंगे वाई एक्सिस पे तो जगह डी साइन थीटा टू। अब ये भी मेरा खत्म हो गया, मतलब सारे वेक्टर को हमने एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ दिया, अब सारे एक्स को एक साथ ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी कॉस थीटा वन
प्लस जीरो माइनस डी कॉस थीटा टू, फिर सारे y को एक साथ जीरो प्लस बी साइन थीटा वन प्लस सी प्लस डी साइन थीटा टू। अब ये y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा और x का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तब उसके बाद ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दिस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा मीन्स x का भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा और y का भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। और लेट कर लिया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना हमको टेन अल्फा, और टेन अल्फा का वैल्यू दिस y डिवाइडेड बाय x मीन्स y बाय x, सो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय x होता है। क्लियर है? इस पे एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देकर के दिखाते हैं इसका सिंपल सा। देखिए इसका अगर हम एक सिंपल एग्जांपल दें, देखिए एग्जांपल देते हैं इसका। ये कोई भी एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में गया मेरा 2 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहां से परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया, ये गया 500 मीटर, फिर यहां से राइट टर्न लिया 4 किलोमीटर, तो कहता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा बताइए। मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिला देंगे, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी हमने आपको क्या बताया, अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो सारे का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिख देंगे। अब आप देखो 2 किलोमीटर वेक्टर किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट दोनों लिखते हैं, ये 2 किलोमीटर एक्स एक्सिस पे है, इसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट 2 किलोमीटर ही होगा और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फिर 500 मीटर एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है मीन्स वाई एक्सिस पे है, इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, यहाँ पे 0.5 किलोमीटर होगा। फिर ये मेरा 4 किलोमीटर एक्स एक्सिस पे है तो इधर हो जाएगा 4 किलोमीटर, इधर क्या हो जाएगा 0, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर और वाई कंपोनेंट हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे कर देते 6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स 36.25 का अंडर रूट निकाल देते, दिस इज योर रिजल्टेंट। एंड ये जो मेरा एक्स और वाई का वैल्यू आया मीन्स एक्स कितना आ रहा है मेरा 6 किलोमीटर और वाई कितना आ रहा है 0.5 किलोमीटर, पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए ये रिजल्टेंट होगा। जो रिजल्टेंट कितना निकला रूट अंडर 36.25 और ये एंगल मेरा अल्फा है और इस अल्फा का जो डायरेक्शन होगा, ये अल्फा जो का जो वैल्यू होगा टेन अल्फा इक्वल टू बोले थे कैसे निकालेंगे वाई बाय एक्स, तो वाई का वैल्यू कितना है 0.5 और एक्स का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर कट जाएगा 1/12 बार में, सो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/12 आएगा। यही मेरा इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। ऑल द बेस्ट।